दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई। करीबन 10 घंटे तक संजय सिंह के घर ईडी की टीम मौजूद थी। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज जो हैं वो उनके घर से बरामद किए गए और उन्हें देर शाम जो है वो ईडी हेडक्वार्टर लाया गया, जिसके बाद आज करीबन 4 बजे के आसपास दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया गया। लंबी जिरह जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से की गई। ईडी ने आज कोर्ट के सामने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए। ईडी ने कहा कि संजय सिंह के एक कर्मचारी हैं सर्वेश मिश्रा, उनके जरिए करीबन 3 करोड़ रुपए जो है वो संजय सिंह को मिले और दिनेश अरोड़ा ने जिस तरह से सरकारी गवाह बनके जो महत्वपूर्ण चीजें, जो महत्वपूर्ण बयान जो है वो संजय सिंह के खिलाफ दिए हैं, उसका जिक्र भी जो आज है राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने किया है। ईडी ने कहा है कि 3 लोगों से संजय सिंह का कन्फर्म कराना है और जो पूरी मनी ट्रेल है उसकी आगे जांच करना है। आने वाले वक्त में जो अगले 10 तारीख तक की जो संजय सिंह को ईडी की रिमांड मिली है, अब इस 10 तारीख में संजय सिंह से दिनेश अरोड़ा और 2 और लोगों का आमना सामना कराया जाएगा, क्योंकि दिनेश अरोड़ा के बिहाफ पर आज ईडी ने कोर्ट में कहा है कि जिस तरह से संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिनेश अरोड़ा के जो का जो व्यवहार है या जो उसके बयान है उस पर विश्वास नहीं किया सकता, वो संदेहास्पद शख्स है, उस पर ईडी ने कहा है कि दिनेश अरोड़ा काफी डरा हुआ था और उसने ये कहा है कि संजय सिंह एक प्रभावशाली शख्स हैं और विजय नायर ने दिनेश अरोड़ा को धमकी दी, इसलिए उन्होंने पहले संजय सिंह के नाम का जिक्र नहीं किया था। अभी 2 ऐसे नाम और हैं जिनके नाम का जिक्र दिनेश अरोड़ा को करना है। आने वाले वक्त में संजय सिंह से जो पूरी मनी ट्रेल है उसकी जांच उनसे की जाएगी। इसके अलावा संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं कि किस तरह से दिनेश अरोड़ा, उसके अलावा अमित अरोड़ा और संजय सिंह की जो ईडी की चार्जशीट में जिक्र है कि ये आबकारी नीति बनने से पहले साल 2020 में किस तरह से संजय सिंह के घर में दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा और संजय सिंह की मुलाकात होती है और ये मुलाकात एक नहीं 2-3 बार होती है। इसके बाद संजय सिंह उनसे कुछ फेवर मांगते हैं कि उनके कुछ करीबी लोग जो हैं उन्हें शराब कारोबार के अंदर उन्हें हिस्सेदारी दी जाए, जिसके बाद जो अमित अरोड़ा दिनेश अरोड़ा है वो अपने कुछ निजी हित के लिए, जिसमें एक शराब का ठेका जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना था, इसकी सिफारिश करते हैं और उसके लिए संजय सिंह जो है वो उनकी मनीष सिसोदिया से मुलाकात कराते हैं। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी कहा है कि जो अनप्लग्ड रेस्टोरेंट है वहां पर संजय सिंह की दिनेश अरोड़ा से मुलाकात होती है और पार्टी फंड के लिए 82 लाख रूपये जो है वो दिनेश अरोड़ा इकट्ठा करते हैं जो संजय सिंह को दिए जाते हैं और संजय सिंह के जरिए बाद में ये पैसा जो है वो मनीष सिसोदिया तक पहुंचता है। आज ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया का हमने जो है मोबाइल जब्त कर लिया है और अभी इस पूरे मामले में जो सर्वेश मिश्रा हैं या जो दूसरे अन्य लोग हैं इसमें संजय सिंह से जुड़े हुए, उनसे भी उन्हें संबंध लेके पूछताछ करना, जिस पर भी कड़ी आपत्ति जो है वो संजय सिंह की तरफ से दर्ज कराई गई थी। उनके वकीलों ने कहा है कि इससे पहले उनसे जुड़े किसी भी लोगों को कोई संबंध नहीं दिया गया था। यह कोर्ट ने यह भी पूछा कि यह चार्जशीट काफी पहले की, अब आपने इस वक्त यह कार्रवाई क्यों की, जिस पर ईडी ने कहा है कि दिनेश अरोड़ा उस वक्त काफी डरा हुआ था क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने बताया था कि संजय सिंह एक काफी प्रभावशाली शख्स हैं और वो जो विजय नायर है वो लगातार दिनेश अरोड़ा को धमका रहा था। तो अब जिस तरह से पहले आम आदमी पार्टी के एक मंत्री सत्येंद्र जैन फंसे एक घोटाले में, उसके बाद मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री जो थे वो लिकर पॉलिसी घोटाले में फंसे, जिसके बाद उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला लंबित है, और अब कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह उनकी गिरफ्तारी हुई है, इस पर आम आदमी पार्टी ने भी काफी पलटवार जो है वो केंद्र सरकार और ईडी के ऊपर किए हैं, काफी हल्ला बोल जो है वो भी रहा है। तो आज जो पूरा दिन था उसमें भी काफी गहमागहमी रही, कई जगह धरने प्रदर्शन हुए और हमने देखा कि किस तरह से लाठीचार्ज जो है वो भी थोड़ा बहुत देखने को मिला, किस तरह से जहां पर प्रदर्शन चल रहा था आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे। तो आज करीबन 4 बजे कोर्ट की सुनवाई शुरू थी और अब से थोड़ी देर बाद ही संजय सिंह को वापस ईडी जो है वो ईडी हेडक्वार्टर लेके आएगी। उनका यहीं पर आज सुबह जो है वो मेडिकल कराया गया था जब उन्हें ईडी कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी और कल भी जब उन्हें गिरफ्तार किया था उसके बाद भी उनका मेडिकल जो है जो एक प्रोसेस होती है कानून की उसके तहत उनका मेडिकल कराया गया था। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में 10 तारीख तक जो ईडी की रिमांड में संजय सिंह है, इन 10 तारीख में ईडी किस तरह के और सबूत जो है वो जुटा पाती है, किस तरह के साक्ष्य जो है वो इकट्ठा कर पाती है और जो इसमें 3 लोगों का जिक्र किया गया है उनसे आमने सामने में क्या कुछ नए खुलासे होंगे, जिसके बाद 10 तारीख के बाद जब ईडी इस पूरे मामले में संजय सिंह को कोर्ट में पेश करेगी तो वो फर्दर क्या क्या ग्राउंड रखेगी, क्या क्या नए खुलासे करेगी, इस पर तमाम लोगों की नजर बनी होगी।